विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। स्वयं प्रभु बांके बिहारी वृंदावन से अपने किसी भक्त के लिए साक्षी बनने आए थे। ईश्वरः सत्य वाक् प्रियः, अर्थात भगवान और सत्य का वही संबंध है जो नदी की धारा और तट का होता है। दोनों का साथ अभिन्न है। सत्य भगवान को भाता है और जहाँ सत्य है वहीं भगवान है। किंतु कलयुग में सत्य पालन भी तपस्या के समान है और तपस्या का फल तो अवश्य मिलता है, क्योंकि सच्चा भक्त बुलाए और प्रभु ना आए ये तो कभी नहीं हो सकता। किंतु उनका ये सच्चा भक्त था कौन प्रभु? जिनके सत्य को प्रमाणित करने के लिए स्वयं श्री प्रभु कृष्ण गोपाल साक्षी बनकर वृंदावन से चले आए थे, उन महान भक्त का नाम क्या था? बैठो, मैं स्वयं बताता हूं। उन महान भक्त का नाम क्या है? उनका नाम था धनंजय शर्मा। जय हो हरि गोपाल, श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। हे प्रभु, आप इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये आप सभी क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रहे हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की भक्ति। हम भी अपना ढोल बजाकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कि आप सभी अपने मन में प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, किंतु इस वाद्य यंत्र से मधुर स्वर निकले तो प्रभु को अधिक अच्छा लगेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हमारे ढोल बजाने से प्रभु को कष्ट होगा? बुरा मत मानिए, मैं आपकी भक्ति का बहुत सम्मान करता हूं, किंतु अति तो कभी भी अच्छी नहीं है। उसी प्रकार तीव्र स्वर में ढोल बजाना, क्या लाभ है इसका जब प्रभु आपके सामने ही है। कान्हा, कितना सरल है ये। किसी का सरल स्वभाव दुर्बलता नहीं, सुंदरता का और उसके आंतरिक बल का प्रतीक है दाव। और जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास का भाव हो तो वो प्रतिमा को भगवान बना देता है, जो ये प्रमाणित करता है कि काठ या पत्थर की प्रतिमा मात्र नहीं, वो जो मंदिर में स्थापित है वही उनके भगवान है, अर्थात हम, अर्थात मैं। साक्षात आपके सामने, तो मधुर स्वर में ढोल बजाइए जिससे कि भक्ति संगीत लगे, कर्कश ध्वनि नहीं। ये जो भी है इनकी सरल भक्ति बड़ी मनभावन है। दाव, अब ये जो करेगा उससे ये प्रमाणित होगा कि इसे और इसकी भक्ति को लेकर जो मैंने कहा था वो सर्वथा सत्य था। मैंने प्रभु को जो समर्पित किया उसे हटा दिया इसने।
नवयुवक, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने प्रभु के लिए चंदन की धूप समर्पित की थी, तुम उसे क्यों हटा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे सामने क्यों ला रहे हो? मेरे सांस में घुटन हो रही है। ये सब क्या है धनंजय? सारी मालाओं को हमारे ऊपर डाल दिया और इस भेंट एवं सामग्री के बीच खड़ा कर हमारा हिलना भी असंभव कर दिया। इतना भार इतने समय तक संभाल कर कैसे रखेंगे हम? आप सभी इतने कम समय में असहज हो गए मालाओं के भार से, तो आप सभी अब अनुमान लगाइए प्रभु कितने कष्ट में इस मालाओं की भार में असहजता से रहते होंगे। क्या आप सभी ने कभी विचार किया है, जो भगवान सदा सुख और दुख में हमारा ध्यान रखते हैं, छोटी सी कठिनाइयां होने पर भी हम दौड़े चले जाते हैं उनके पास, किंतु हम अपने स्वार्थ में भगवान के आराम का ध्यान ही नहीं रखते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रभु के लिए भी हिलना कितना कठिन हो जाता होगा ना। और ऋषिवर आप, अब जरा सोचिए, इस धूप के ध्रुम से आपकी श्वास रुक गई थी, इसे प्रभु के नाशिका के पास रखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? लो इसे देखो, अब ये सिखाएगा हमें प्रभु भक्ति का पाठ। ये मूर्ख अज्ञानी कह रहा है कि धूप प्रभु को कष्ट पहुंचाती है। अरे कोई से समझाओ कि धूप भगवान को प्रसन्न करके शुभता फैलाने के लिए होती है, उन्हें कष्ट देने के लिए नहीं होती है। ये क्या कर रहे हो? हम, मेरी सांस घुट रही है। ऋषिवर, आपको कष्ट हो सकता है तो प्रभु को भी तो कष्ट हो सकता है। मैं तो एक जीवित प्राणी हूं जिसके शरीर में श्वास आती जाती है, और ये तो प्रभु की बस एक प्रतिमा है, और ये तो प्रभु की बस एक प्रतिमा है। यदि ये प्रभु नहीं है बस उनकी प्रतिमा है, तो ऋषिवर आप यहाँ क्यों आए हैं? और क्यों बोला? प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। किंतु आपके अनुसार यहाँ प्रभु जगन्नाथ तो है ही नहीं, बस उनकी प्रतिमा है। श्रद्धा से भक्ति कीजिए, धूप चढ़ाकर प्रभु को सुगंधित कीजिए, स्वच्छ वातावरण दीजिए, किंतु उनके श्वास को बाधित मत कीजिए। माला चढ़ाओ भगवान को, किंतु उनके कंठ को सुसज्जित करने के लिए, ना कि उन्हें असहज करने के लिए। उनकी सहजता का ध्यान भी तो हमें ही रखना होगा। लाइए, मुझे दीजिए। और ऐसा करने से भक्त भी प्रसन्न और भगवान भी। मैंने कहा था ना दाऊ, अन्य सभी यही मानते हैं कि यहाँ तो बस उनके भगवान की मूर्ति है, किंतु ये नहीं। इसका विश्वास है कि यहाँ हमारी मूर्ति में ही इसके भगवान है। ऐसे भक्त का कभी कोई अहित नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया, आप ऐसी चिंता में क्यों आ गए? क्या कुछ अहित होने वाला है भक्त धनंजय का? प्रभु का ये कैसा संकेत था? क्या भक्त धनंजय किसी संकट में पड़ने वाला था? जो भी संसार में आया है वो अपने भाग का सुख
दुख कष्ट और पुरस्कार पाने ही आया है, जो उसे अपने समय और कर्मों के अनुसार ही मिलता है। प्रभु सदा अपने भक्त के साथ ही रहते हैं। अपने भक्त की पूरी जीवन यात्रा में प्रभु उनके साथ ही चलते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते अपने भक्त को। धनंजय, वर्षों से चली आई प्रथाओं को चुनौती देने का दुस्साहस मत करो। धनंजय, जिस बात का ज्ञान नहीं उसमें हस्तक्षेप मत करो। मत आओ प्रभु भक्तों की श्रद्धा और भक्ति के बीच, अन्यथा मंदिर में प्रवेश रोक दूंगा मैं तुम्हारा। नहीं पुजारी जी, मेरा हास्य हस्तक्षेप का नहीं था। मैं तो प्रभु के कष्ट को अपनी दृष्टि से देख रहा था, उन्हें होने वाली पीड़ा को अनुभव कर रहा था, इसीलिए इतना कुछ कह गया। पर मुझे विश्वास है कि आप जैसे महान ज्ञानी पुजारी जी इसे अवश्य समझेंगे। धनंजय, नमस्ते पुजारी जी। पुजारी जी, कौन है ये नवयुवक? ये युवक ब्राह्मण धनंजय, रहने को घर नहीं है न खाने को अन्न, किंतु बातें सुनो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है ये धनंजय। किंतु इसके विचार में तर्क है, कुछ तो सत्य है इसमें। सत्य तो बस एक ही है, प्रभु जगन्नाथ, वो है महत्वपूर्ण, इसलिए उनकी बात कीजिए। ब्रह्म शर्मा जी, वृंदावन धाम की तीर्थ यात्रा है महत्वपूर्ण। आह, कैसा अपार सुख, कैसा अद्भुत आनंद, जैसे प्रभु जगन्नाथ के दर्शन मात्र से मन तृप्त हो जाता है, वैसे ही वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन मात्र से मन अपार आनंद से भर जाता। प्रभु वहां ऐसे अद्भुत स्वरूप में स्थित है। कुछ तो बस वहां जाने का स्वप्न देख सकते, किंतु उनके पास वहां जाने के लिए धन नहीं है ना। और ब्रह्म शर्मा जी, आपको तो यह अवसर मिल रहा है, यह अवसर सबको प्राप्त नहीं होता। ओ पुजारी जी, मुझे लेकर कह रहे हैं। कभी ना कभी तो प्रभु की कृपा होगी मुझ पर, और मेरे पास भी प्रभु के वृंदावन धाम की तीर्थ यात्रा करने के लिए पर्याप्त धन होगा। तो योजना यही है ब्रह्म शर्मा जी, कल भोर में तीर्थ यात्रा के लिए हम लोग निकलेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार इस यात्रा में भाग लेंगे और हृदय खोलकर इस यात्रा को संपन्न करने के लिए दान भी देंगे। दुर्भाग्यवश मेरी पत्नी अस्वस्थ है पंडित जी, इसलिए मेरी पुत्री और मेरा पुत्र सत्य प्रकाश यहीं रहेंगे उनके समक्ष उनकी सेवा के लिए, लेकिन मैं अवश्य चलूंगा आपके साथ। ये लीजिए एक छोटी सी भेंट मेरी ओर से यात्रा के लिए, स्वीकार करें। ये तो अच्छा है, तो कल भोर में हम मंदिर के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे, वहीं से वृंदावन तीर्थ यात्रा का शुभारंभ होगा। ये युवक ब्राह्मण धनंजय, न रहने को घर है न खाने को अन्न। पिताजी, क्या मैं ये प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटूं? प्रसाद देवी,
ये तो बहुत अधिक प्रसाद है। जो भक्त भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान भी उन भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। सत्य कहा इन देवी ने, भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते। जिस प्रकार प्रभु ने मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे ये प्रसाद भेजा, उसी प्रकार मेरे मन की भूख मिटाने के लिए, प्रभु के दर्शन पाने के लिए प्रभु मुझे वृंदावन मार्ग का दर्शन देंगे। श्री जगन्नाथ जी के बांके बिहारी रूप का शुभ दर्शन पाने का सुख प्राप्त होगा मुझे। ब्रह्म शर्मा जी कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए? संभल कर, संभल दे। धन्यवाद पुत्र। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, देखिए मैं प्रभु के वृंदावन धाम तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास धन तो नहीं है, किंतु मन तो है। जो तीर्थ यात्री वहां जा रहे हैं उनकी सहायता कर कर कुछ तो पुण्य अर्जित करने दीजिए। लाइए। ब्रह्म शर्मा जी, इसे ही अपने साथ क्यों ले आए? इसने यात्रा के लिए धन कहां दिया है? आप चिंता मत करिए पुजारी जी, मैं किसी के उपकार से प्रभु वृंदावन धाम नहीं जाऊंगा। जब मैं स्वयं समर्थ हो जाऊंगा तभी जाऊंगा, और जिस दिन प्रभु की इच्छा होगी उस दिन मुझे उनके द्वार पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। मेरी सहायता के लिए धन्यवाद पुत्र। रुको पुत्र, तुम तो आज ही तीर्थ यात्रा के लिए चल सकते हो। किंतु ऋषिवर, उसके पास धन कहाँ है? इस यात्रा में सहयोग देने के लिए मेरे पास भी तो कुछ नहीं है। आप मार्गदर्शन हेतु आप सेवा तो दे रहे हैं ना? सेवा तो ये भी दे सकता है, हम वृद्ध हैं। इस यात्रा में इस हाथ गाड़ी को खींचकर ये नवयुवक हमारी सहायता कर सकता है। इसकी सहायता से हमारी यात्रा का समय बच सकता है। हाँ पुजारी जी, मैं ऋषिवर से सहमत हूँ, हमें इसे साथ लेके चलना चाहिए। हाँ ये उचित है, हमें इसे साथ लेकर चलना चाहिए। यदि आप सबको आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हें भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। किसी पूजा विधि पर प्रश्न मत करना जैसा तुम करते आए हो। आओ पुत्र, तुमने इन तीर्थयात्रियों में अपना स्थान अर्जित कर लिया है। प्रभु आपको अनेकों धन्यवाद इस अवसर को देने के लिए। ये भी रखो जी। इसे भी। प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की जय। पुजारी जी, हाँ। सभी थक चुके, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। हाँ ऋषिवर, हम सभी थोड़ा जल पी लेते हैं। हाँ। और विश्राम करते हैं। आप यहाँ बैठिए, आप सभी लोग विश्राम कर लीजिए। आप दोनों भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हाँ पुत्र, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। आइए, मैं आपको छांव के पास बिठा देता हूँ। आइए। सबसे अधिक श्रम तो इसने ही किया है, और अभी भी विश्राम के स्थान पर सभी की सेवा में लगा हुआ है। जी लीजिए, इस गीले वस्त्र से अपना शरीर पोंछ लीजिए, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। धनंजय,
अब तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। पुजारी जी बड़े थके लग रहे हैं, उन्हें नारियल दे देता हूं। अरे कहां जा रहे हो, तनिक विश्राम तो कर लो। क्या कर रहा है ये? सेवा। लगता है प्रभु का ये भक्त बस सेवा करना जानता है। लगता है कि अपनी थकान मिटाने के लिए नारियल उठाए हैं इसने। नहीं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। देखिए ऋषिवर, कभी कभी स्वार्थ भी भक्तों पर हावी होता है और ये सर्वथा उचित है, इसलिए उसे अपनी थकान मिटानी ही चाहिए। लीजिए पुजारी जी, प्रभु का नाम लेकर इस जल का पान कीजिए, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। आप में से किसी को दूसरा नारियल लेने का मन है क्या? दो, मुझे दो। हमने जो खान पान की सामग्री साथ में लाए हैं उसमें से तुम्हारे श्रम की दो समय का भोजन ही मिल पाएगा, उसी में तुम्हें संतोष करना होगा। किंतु पुजारी जी। जी कोई बात नहीं, पुजारी जी को इसकी आवश्यकता मुझसे कहीं अधिक है। बहुत हुआ विश्राम, अब चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, अवश्य आगे चलते हैं। तुम्हें अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है, तुमने पुजारी जी को ये नहीं बताया कि तुम्हें तो विश्राम का अवसर ही नहीं मिला। अब तो विश्राम का सच्चा सुख वृंदावन पहुँच कर बाके बिहारी जी के दर्शन करके ही मिलेगा, तो इस क्षणिक विश्राम का क्या लाभ। अच्छा अच्छा समझ गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि तुमने पंडित जी से ये क्यों नहीं कहा कि नारियल हम नहीं तुम लेकर आए थे। तीर्थ यानी पुण्य स्थान, तीर्थ यात्रा पुण्य प्राप्ति की यात्रा, सेवा से अधिक पुण्य और कहां मिल सकता है। यदि मैं पुजारी जी को यह बता देता कि यह नारियल मैं लेकर आया था तो उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा होता और उनका मन गलानी से भर जाता, फिर उनकी ये तीर्थ यात्रा का उत्साह भंग हो जाता। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी भी भक्त का मन यात्रा में उदासी से भर जाए। तुम और तुम्हारे विचार अद्भुत हैं धनंजय। मेरा टखना, उससे तो चला भी नहीं जा रहा। संध्या होने को है, रात्रि होने से पहले हमें इस जंगल को पार करना होगा, अन्यथा जंगली जानवरों से खतरा बना रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जंगल समाप्त होते ही एक आश्रम है, रात्रि को हम वहीं विश्राम करेंगे। किंतु शर्मा जी की स्थिति देख रहे हैं, वो तो एक पग भी नहीं चल सकते। तो आप लोग आगे बढ़िए, शर्मा जी के घाव पर लेप लगाकर इन्हें मैं अपने संग ले आऊंगा। नहीं नहीं, यात्रा का सारा राशन, भगवान का चढ़ावा, सब इसी गाड़ी छकड़े में है, ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं, वो भी एक बालक के भरोसे। क्या हो गया आपको पुजारी जी? ये बालक नहीं, ये एक नवयुवक है। कुछ तो करना होगा जिससे पुजारी जी को मुझ पर विश्वास हो जाए।
जी, मैं शर्मा जी को इस छकड़े में बिठा के चल सकता हूँ? नहीं नहीं, पहले ही भार कम है क्या जो मैं अतिरिक्त भार बन जाऊं? जी, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और प्रभु भक्तों की सेवा प्रभु की सच्ची सेवा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रभु की सेवा करने से मुझे वंचित मत करिए, कि आप प्रभु की सेवा करने से मुझे वंचित मत करिए, आप प्रभु की सेवा करने से मुझे वंचित मत करिए। प्रभु जगन्नाथ जी जय। 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 कितनी सरल और सौम्य है इसकी भक्ति। प्रभु कुछ भी अकारण नहीं करते, अवश्य ही प्रभु ने किसी विशेष कारण से मुझे मिलाया है इससे। अभी भी कष्ट में है शर्मा जी? आप कष्ट मत कीजिए, मुझे लगाने दीजिए आपका बिस्तर। कान्हा, तुम्हारी सेवा तो ये जीवन के आरंभ से ही कर रहा है, किंतु अब तुम्हारे भक्तों की सेवा में भी निस्वार्थ भाव से लीन है। इसीलिए तो यही है मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी पूजा, मेरी पूजा। व्यक्ति का सुंदर चरित्र और सेवा भावना ही प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति है।